राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि हम दो हमारे दो की सरकार, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने रिप्लाई करते हुए कहा है कि हम दो हमारे दो का नारा राहुल की दादी इंदिरा गांधी ने दिया था। बता दें कि विज आज चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा नारा तो सबका साथ सबका विकास है। राहुल गांधी को अपने ही परिवार के इतिहास का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो मुंह में आता है बोलते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता कर चीन और भारत की सेना के पीछे हटने को सरकार की विफलता बताया था, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा है कि राहुल गांधी बार बार देश को अपमानित करते हैं, हमारी सेना और सैन्य शक्ति को डिमोरलाइज करते हैं। जो कुछ ये बोलते हैं उससे लगता है ये भारतीय नागरिक ना होकर चीन के प्रवक्ता हैं। वहीं बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रारूप शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इसे शीघ्र लागू किया जा सके। अनिल विज ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ हम सख्त कानून बनाने जा रहे हैं, उसका सारा प्रारूप हमने तैयार कर लिया है। कोई भी किसी को किसी प्रकार का प्रलोभन देकर, शादी का झांसा देकर, डरा धमका कर किसी का धर्म परिवर्तन न करवा सके। विज ने इस कानून को समय की मांग बताते हुए कहा है कि ये बहुत जरूरी है। वहीं अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में पिछले दिनों सोनीपत, पानीपत व फरीदाबाद में जहरीली शराब पीने से 47 लोगों की जो मौत हुई थी, उसकी जांच के लिए प्रदेश में SIT का गठन कर दिया गया था, जिसमें प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस जांच में सामने आ रहा है कि अंग्रेजी शराब की बोतलों में नकली शराब भरी जाती थी और ये शराब दूसरे प्रदेशों से हरियाणा में आती थी, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से सवाल किया गया तो विज ने कहा कि SIT की रिपोर्ट पर अध्ययन जारी है। राहुल गांधी ने कहा कि हम दो हमारे दो की सरकार है। हम दो हमारे दो का नारा तो इसकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। हमारा नारा तो है सबका साथ सबका विकास। अब राहुल गांधी को अपने ही परिवार के इतिहास का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो मुंह में आता है बोलते हैं। सर, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, जो चीन और भारत की सेना पीछे हटी है पेंगोंग वहाँ से, तो उन्होंने कहा है कि ये विफलता है भारत की कि वो हमारे इसमें टेरिटरी में आए और हमारी सेना ने कुछ नहीं किया, हमारी सरकार ने। देखिए, ये राहुल गांधी बार बार देश को अपमानित करते हैं। हमारी सैन्य शक्ति जो है, हमारे जो सैनिक हैं उनको डिमोरलाइज करते हैं, और जो कुछ ये बोलते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि ये कोई भारतीय ना होके चाइना के प्रवक्ता हों। सर, हरियाणा के अंदर भी लव जिहाद जो कानून है उसको लेकर आपने जो प्रारूप है उसका तैयार करने, बिल्कुल लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून हम बनाने जा रहे हैं। सारा प्रारूप हमने उसका तैयार कर लिया है कि कोई भी किसी प्रकार का किसी को प्रलोभन दे के, शादी का झांसा दे के, डरा के, धमका के किसी का धर्म परिवर्तन ना करा सके। ये आज समय की मांग है और बहुत ज़रूरी है। सर, SIT को लेकर जो जांच है वो पूरी हो चुकी है, इसमें चीज़ निकल कर आ रही है कि जो शराब है दूसरे प्रदेशों से आती थोड़ी जहरीली शराब अंग्रेजी बोलते। देखिए, SIT का बड़ी गहनता से जाँच की जा रही है, और जो जो उन्होंने रिकमेंडेशंस की होंगी, जो जो बिंदु उठाए होंगे उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।